गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा बीज का परिवर्तन। इससे पहले जो कल के टॉपिक से क्वेश्चन किया था मैंने, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, तो हेस्टिन नामक वैज्ञानिक ने द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन किया। अब देखो आज अपना टॉपिक है बीज का परिवर्तन। तो बीज के परिवर्तन की बात करते हो तो हमने पढ़ा था कि निषेचन के बाद में बीजांग से किसका निर्माण होता है, बीज का, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। बीजांग से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो बीज के परिवर्तन में, तो बीज के परिवर्तन के दौरान बीजांग से क्या बनता है, बीज। अब बीज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, तो निषेचन के बाद ये पूरा भाग बीजांड है, इस बीजांड व्रंथ से बीज व्रंथ का निर्माण होता है। बीजांड व्रंथ है उससे किसका निर्माण होता है, बीज व्रंथ का निर्माण होता है। और जो एंटीपोडल कोशिका है या प्रतिलिपि की कोशिका है वो क्या हो जाती है, नष्ट या अपहासित हो जाती है। बीजांड काय की बात करते हो तो बीजांड काय है वो या तो क्या हो जाता है, नष्ट, या तो क्या हो जाता है, नष्ट, या इस पर एक पतली परत बन जाती है जिसको परिभ्रूण कोश कहते हैं। या तो बीजांड काय क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या उसके ऊपर एक परत बन जाती है, पतली परत केवल शेष रह जाती है जिसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणित कोष, जो किसमें होता है, काली मिर्च में। फिर ये क्या है, बीजांड के बाहर पाए जाने वाले अध्यावरण, जिनसे एक बाहर की तरफ पाया जाने वाला बाह्य अध्यावरण और अंदर की तरफ पाया जाने वाला आंतरिक अध्यावरण कहलाता है। जो ये बाह्य चोल बनाता है, बाह्य चोल बाहर की तरफ, और जो आंतरिक अध्यावरण है वो आंतरिक चोल का निर्माण करता है। बाह्य चोल को बोलते हैं टेस्टा और इसको बोलते हैं टेगमेन। अध्यारण है बाहर की तरफ वाला बाह्य चोल बनाता है और अंदर की तरफ वाला आंतरिक चोल बनाता है, जिसे हम सम्मिलित रूप से बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज चोल। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या बनाती है, नष्ट। अध्यारण है वो क्या बनाते हैं, बीज चोल। बीजांड क्या बनाता है, बीज व्रंथ। और सहायक कोशिका भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर यहां ये कौन सा था, द्वितीय केंद्र, जो क्या बनाता था, भ्रूणकोश। ये क्या बनाता है, अन्य कोशिका क्या बनाती थी, प्राथमिक नरकोश से युक्त होकर भ्रूण का निर्माण। इस प्रकार निषेचन के बाद में इस प्रकार बीजांड में क्या होते हैं, परिवर्तन, और बीजांड से क्या बन जाता है, बीज। अब यहां ये भाग कौन सा था, ये दो भाग बनाए थे, ये जुड़ा हुआ भाग नाभिका आयलन, ये गहन संरचना थी, वो क्या थी, राफेल। इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, विशेष परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसके आधार पर ही यहां पर तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट है एरी, दूसरा है केरेंकल और तीसरा है ऊपर कुलम। तीन क्वेश्चन है, एरी, केरेंकल और ऊपर कुलम। एरी क्या होता है कि कुछ बीजांड में जो बाहरी तरफ एक सफेद या बाहर की तरफ एक विशेष आवरण पाया जाता है, या आवरण से निकल जाता है, जो खाने योग्य भाग होता है, जो क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरी कहते हैं। बीजांड में बाहर की तरफ एक विशेष आवरण पाया जाता है जो खाने योग्य भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, एरी। और ये किसमें होता है, लीची में।
तो लीची में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? केरी कहलाता है। बीजाणु में बाहर की तरफ एक विशेष आवरण पाया जाता है जो खाने योग्य होता है, जिसे क्या कहते हैं? केरी। दूसरा कौन सा है? केरेंकल। केरेंकल में क्या होगा? बीजाणु है, ये पूरा बीजाणु है, उसके ठीक सामने एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। बीजाणु है, बीजाणु द्वार के ठीक सामने एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? केरेंकल। क्या कहते हैं? केरेंकल कहते हैं। अब ये किस कुल में होती है? यूफोरबियेसी कुल में। यूफोरबियेसी कुल के सदस्यों में इस पर कुछ पार्टों में बीजाणु द्वार के ठीक सामने विशेष संरचना पाई जाती है सफेद रंग की, उसे क्या कहते हैं? केरेंकल कहते हैं। तो पीछे क्वेश्चन दे रखा है, एरी और केरेंकल में क्या अंतर है? बीजाणु की बाहर की तरफ खाने योग्य संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एरी। एग्जांपल हो गया लीची में। और केरेंकल यूफोरबियेसी कुल के पार्टों में बीजाणु द्वार के ठीक सामने सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? केरेंकल। ये किसमें होती है? अरण्य। फिर है उपरकुलम। उपरकुलम से इसी तरह है, प्रवृत्ति को क्या है? परिभाषा, बीजाणु द्वार के ठीक सामने इसमें एक बीज पत्रियों में, एक बीज पत्रियों में बीजाणु द्वार के ठीक सामने सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उपरकुलम कहते हैं। तो तीन डेफिनेशन देखी आपने, एरी, केरेंकल, उपरकुलम। उपरकुलम है वो किसमें होगी? एक बीज पत्रियों में बीजाणु द्वार के सामने पलकनुमा संरचना क्या कहलाती है? उपरकुलम। अब भ्रूणकोश को काम में लेने के आधार पर जो बीज है वो दो प्रकार के होते हैं, बीज है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला यहां पर अभ्रूणकोशी बीज, दूसरा भ्रूणकोशी बीज। अभ्रूणकोशी बीज को क्या बोलते हैं? गैर एल्ब्यूमिन्स। और भ्रूणकोशी क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन्स। तो ये बीज क्या है? देखिए अभ्रूणकोशी बीज, जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान, इसी दौरान भ्रूण परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग नहीं किया जाता है, जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूरे भ्रूणकोश का उपयोग नहीं किया जाता है और शेष रह जाता है, तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं? अभ्रूणकोशी बीज कहते हैं। दोबारा देखिए, जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग नहीं किया जाता है और भ्रूणकोश क्या रहता है? शेष रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभ्रूणकोशी बीज। एग्जाम्पल, द्विबीजपत्री में चना है, मटर है, मूंगफली है, इनके अंदर कौन से बीज होते हैं? इनको कौन सा कहा जाता है? अभ्रूणकोशी बीज का। दूसरा कौन सा है? भ्रूणकोशी बीज। तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग ले लिया जाता है, अर्थात भ्रूणकोश शेष नहीं रहेगा, संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग ले लिया जाता है अर्थात शेष नहीं रहेगा, तो उन्हें कौन सा कहते हैं? भ्रूणकोशी बीज कहते हैं। अब उसमें है एक बीज पृथ्वी में गेहूं, चावल और इसी प्रकार अभी बताया मैंने अंडाशय से क्या बनता है? फल बनेगा। तो जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। अंडाशय से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। अब वास्तविक फल बन जाता है अगर उसके अंडाशय के अलावा अन्य भाग से किसका निर्माण हो? फल का निर्माण। दोबारा देखते हैं यहां पर, पुष्प के अंडाशय को छोड़कर
अन्य भाग से क्या बने? फल। तो उसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। ठीक है, जैसे सेब। अब सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से। सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से। अर्थात आप ये कह सकते हो सेब है वो कौन सा फल है? आभासी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है, इस कारण से क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। फिर एक है सेब फल। या एनिसेब जनन। तो एनिसेब जनन और एनिसेब फल क्या है? बिना निषेचन के इसका निर्माण हो जाता है फल का, उसे क्या कहते हैं? एनिसेब जनन। और जो फल बनता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? एनिसेब फल। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? एनिसेब जनन। और इस क्रिया को से जो फल बना है उससे क्या कहते हैं? एनिसेब फल। आजकल कृत्रिम विधि के द्वारा एनिसेब फल की क्रिया की जाती है, उसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिन और NAA नेत्रिन एसिटिक एसिड इसका निर्माण किया जाता है और एनिसेब फल यानी बिना निषेचन के फल प्राप्त किए जाते हैं। तो कृत्रिम विधि के द्वारा एनिसेब फल किस रसायन के द्वारा किए जाते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और नेत्रिन एसिटिक एसिड। तो इसमें एनिसेब फल में एग्जांपल देखिए लो केला है, उसके द्वारा अंगूर भी है, तो बिना निषेचन के प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण क्या होता है? आवर्त पीछी पादपों में 2N के बाद में N अवस्था और N के बाद में वापस 2N अवस्था लगातार क्रम से आती रहती है, यानी बीजाणु युग्मोद्भिद और युग्मोद्भिद से बीजाणुभिद लगातार क्रम से चलती रहती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पीडी एकांतरण कहते हैं। तो आज के टॉपिक से क्वेश्चन अपना रहेगा कि भ्रूणकोशी बीज है उसके कोई दो उदाहरण दीजिए, और सभी बच्चों को कमेंट में डालकर इसके बारे में बताना है। थैंक यू।